इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर यहाँ पे खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में क्या लग रहा है? क्योंकि हमने खाद्य तेलों में भी देखा है कि भारत ज्यादा आयात भी कर रहा है और विदेशों में सोयाबीन की जो डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट के टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है घटाने के बाद। तो रूपा जी आपको क्या लग रहा है, जो भारत सरकार पहले आयात शुल्क घटा देती है, कम कर देती है, उसके बाद फिर विदेशों में उतने ही दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे में ये पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने ये कदम उठाया है, फिर से देख रहे हैं कि विदेशों में दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या लगता है क्या अभी भी खाद्य तेलों का जो आयात है वो एज इट इज ज्यादा ही बना रहेगा? देखिए इंटरनेशनल मार्केट जरूर स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तेजी नहीं है। हम यहाँ पर प्राइसेस की अगर बात करें तो जहाँ लगातार कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी अब वो कीमतें लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर आया है लेकिन भारत में गिरावट जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है और काफी हद तक रिटेल प्राइसेस भी में भी हमने देखा है कि 9% के आसपास जो है वो गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो अभी गर्मियों के चलते डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम होती दिखाई दिया और ये 1 से 2 महीने फिलहाल उस तरीके से जो है वो तेल की खपत कम रहेगी और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस को अभी फिलहाल कुछ पाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तेल की सप्लाई यहाँ पर अभी के लिए ठीक है और अभी देखा जाए तो समर सीजन के चलते वेडिंग सीजन की जो डिमांड होती है वो भी अभी नहीं है तो यहाँ पर डिमांड जो है वो नहीं है। इसकी वजह से लग रहा है कि प्राइसेस जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देंगे, ऊपरी स्तरों पर गिरावट बनी रह सकती है। तो खाद्य तेलों में गिरावट की तरफ रहेगा मार्केट, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आई तो सस्टेन रहेगा इन्हीं लेवल्स पर लेकिन फिलहाल के लिए तेजी कमजोरी दिखाई दे जी।